बिहार की हर एक जिले की खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी दबाएं, जिससे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी मिल सके। समस्तीपुर जिले में आयसा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हाथों में झंडे, बैनर एवं कुलपति का पुतला लेकर बड़ी संख्या में बीआरडी कॉलेज गेट से जुलूस निकाला, जो आदर्श नगर, काशीपुर आदि क्षेत्रों के मुख्य सड़कों पर मांगों से संबंधित नारे लगाते हुए भ्रमण कर पुनः बीआरडी कॉलेज गेट पहुंचकर जोरदार नारेबाजी एवं पुतला दहन किया। इसकी अध्यक्षता कॉलेज काउंसिलर अभिषेक प्रसाद यादव ने किया। सभा को आयसा प्रदेश उपाध्यक्ष चंदन कुमार बंटी ने संबोधित करते हुए कहा कि एलएनएमयू के छात्र संघ अध्यक्ष बिना परीक्षा के ही फर्जीवाड़े से एमएससी में नामांकन करा लिया है। समस्तीपुर के बीआरडी कॉलेज अध्यक्ष पर कई गंभीर मामले चल रहा है, इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को भी है। इसके बावजूद अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं किया गया है, यह तानाशाही है। बर्खास्तगी तक आयसा अन्य छात्र संगठनों के साथ मिलकर संघर्ष चलाएगी। जिला अध्यक्ष सुनील कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीआरडी कॉलेज में शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हुआ है। तथाकथित छात्र संघ के नाम पर कुछ पूर्ववर्ती छात्र कॉलेज खुलने से पहले परिसर में पहुंचे रहते हैं। वह भोले भाले व नए छात्रों से उनके काम करा देने के नाम पर रुपये उगाही कर लेते हैं, उनका नामांकन रसीद तक रख लेते हैं। इसकी जानकारी कॉलेज प्रिंसिपल को भी है, लेकिन वह कार्रवाई करने से हिचकते हैं। आयसा नेताओं ने कॉलेज की गरिमा बचाने एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए प्रिंसिपल के तबादले की मांग किया है। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए पूर्व अध्यक्ष मनीष राय, महासचिव अविनाश राय, परमित कुमार, प्रेम कुमार, राजू झा, ओम प्रकाश सिंह, मनीष यादव, रघुनाथ कुमार, प्रिंस कुमार, अभिषेक गगन, आशीष कुमार यादव, संतोष कुमार समेत अन्य आयसा नेताओं ने संबोधित किया। अंत में एलएनएमयूवीसी का पुतला फूंक कर विरोध जताया गया। आंदोलन करते रही है, बावजूद यहाँ का प्रिंसिपल एकदम तानाशाह रवैये में आकर अपने चाल चलन को बदल नहीं रहे हैं, जिसके खिलाफ आज एक सप्ताह से विश्वविद्यालय में छात्र संगठन और लेफ्ट यूनिटी के संगठन है, सभी मिलकर लगातार एक सप्ताह से आंदोलन चला रहे हैं। किस तरह से यहाँ का छात्र संगठन फर्जी है, छात्र अध्यक्ष फर्जी है, इसी तरह से मिथिला विश्वविद्यालय सेंट्रल पैनल का जो छात्र संघ अध्यक्ष है, अध्यक्षा है, वो भी फर्जी नामांकन लेकर पीजी में एडमिशन कराए हैं और तब जाकर वो वहाँ से चुनाव जीती है, जो कि साफ तौर पर बता रहा है। बिहार की हर एक जिले की खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी दबाएं, जिससे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी